हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई बैंकिंग ऑफ फ्रॉड, जो हमारा मेन टॉपिक आता है दैट इज प्लस वन का, जो कि आता है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स। ये जो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड होते हैं वहां पे क्या जो सेफ फिलॉसफी होनी चाहिए, जो कि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो जो अपने अर्लियर वीडियोस में बताया था, क्या कि जो राउंडिंग लेवल होता है किसका कौन पाथ का, उसके अकॉर्डिंग में हम इसको चलेंगे। तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के सिस्टम में अगर मैं बताऊं भाई, तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड का मतलब मैं क्या कहूं कि एक एज तो बड़ा हो जाए दूसरा एज का, कहने का मतलब कि आउटरेज, जो आउटरेज है वो आपके पास अपर लेवल में हो जाए और इनरेज है वो जो स्मॉल लेवल में हो जाए। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो आपके पास दिस इज द फिनोमिना ऑफ रेजिंग ऑफ आउटरेज। क्या है ये? वो फिनोमिना है जो रेजिंग ऑफ द आउटरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके पास ये बनाता हूं, मान लिया भाई ये आपके पास कोई थर्ड पार्ट है, दैट इज द बैंकिंग ऑफ रोड। अब मैं कर रहा हूं कि बैंकिंग ऑफ रोड, तो ये तो आपके पास ओरिजिनल रेंज हो गया, ठीक है, जो आपके पास सरफेस होना चाहिए। बट मैं कर रहा हूं बैंकिंग, कहने का मतलब द फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज। ये मेरे पास क्या है? आउटर एज। क्या है भैया? आउटर एज है, ठीक है। सपोज करता हूं ये कोई एट एन एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, ये मेरे पास इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। अब यहां पे सपोज करता हूं ये कोई तार है, एक कार मान ली, ये इसका अगर मैं बात करूं, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो मेरे पास कार का होगा दैट इज आर। अब जो वेट एग्जर्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वेट एग्जर्ट किया दैट इज, ये आपके पास वेट एग्जर्ट करके आ गया एम जी। क्लियर है? दैट आर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। अब मैं क्या करता हूं कि अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूं। क्या करता हूं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, और मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ये डायरेक्शन लगेगा फ्रिक्शन फोर्स दैट इज F। क्लियर है? अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब रिजोल्व करता हूं, सपोज करता हूं R कंपोनेंट के साथ में ये मैंने कोई एंगल सपोज किया थीटा ही होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई। अब यहां पे अब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो ये मेरे पास तो क्या हो गया? R sin थीटा। ये मेरे पास क्या हो गया? R cos थीटा। तो ये तो आपके पास आ गया R cos थीटा एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया R sin थीटा व्हेन वी रिजोल्व दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपके पास था जो कि बैंकिंग ऑफ रोड के अकॉर्डिंग में आता है। अब मेन बात जो मेरे पास आती है वो क्या है कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि व्हाट इज द सेफ वेलोसिटी। कि वो सेफ वेलोसिटी होती है, क्या होती है कि जब मैं बैंकिंग ऑफ रोड से चलूं तो मेरे पास जो गाड़ी है वो डिगमगाए ना और अपने एक सेफ रस्ते पे, एक अपना अनुकूल रस्ते के साथ में अपने ड्राइविंग को कंप्लीट करें। तो किस तरीके से बताऊं? अब इसी कंपोनेंट को भाई, ये जो मैंने ड्राइविंग बनाया है, डायग्राम बनाया है, इसी को एक बार दोबारा अब यहां पे करता हूं। सपोज करता हूं ये मान लिया दैट इज, ये आपके पास कोई तार है, ठीक है, एट एन एंगल था, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं बात करता हूं दैट इज मेरे पास क्या लगा? एम जी लगा। अगर मेरे पास आर एक आर कंपोनेंट के वेक्टर की बात करता हूं तो ये मेरे पास लगा थीटा, तो ये मेरे पास हो गया आर कोस थीटा, और ये इधर आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगाया था? आर साइन थीटा, ठीक है। बट मेरे पास एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, दैट इज दिस फोर्स, ये एक फ्रिक्शन फोर्स भी है। अब फोर्स के कंपोनेंट में भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को रिजोल्व करता हूं। क्या करता हूं भाई? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को तो लगाएगा इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ, अब वहां पे भी अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व करूं तो मेरे पास क्या होगा? सपोज करता हूं कि ये मेरे पास मान लिया अपने एंगल थीटा मान लिया, ठीक है, तो ये मेरे पास इधर डायरेक्शन में, तो अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो मेरे पास क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी, ये मेरे पास क्या होगा? बेसमेंट। तो मेरे पास ये तो आ गया एफ cos थीटा, और जो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया ये मेरे पास आ गया f sin थीटा। क्लियर है? अब मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ ये किया, अब आपको डायग्राम सिर्फ ये याद रखना है। कौन सा डायग्राम याद रखना है? ये डायग्राम याद रखना है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के लिए। तो मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया, मैक्सिमम जो मैंने बताना था वो क्या था कि आपके पास एक बार तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ में जो मेरे पास कंपोनेंट रिजोल्व किया, और एक बार फ्रिक्शन फोर्स के साथ में मैंने क्या किया कंपोनेंट। अब आपके पास फ्रॉम द डायग्राम में क्या देख रहा हूं भाई? मैं देखूं कि मैं पर करता था r इज इक्वल टू एम जी, बट मैं यहाँ पे कंपोनेंट वेक्टर देखूं तो r cos थीटा है वो एम जी प्लस में f sin थीटा के बराबर है। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन करता हूं दैट r cos थीटा इज इक्वल टू में एम जी प्लस में f sin थीटा, ठीक है। ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर एक, ये तो मेरे पास इक्वेशन एक का होगा। अगर मैं सेकंड से देखूं यहां से एफ को फ्रिक्शन फोर्स, जो मेरे पास सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा वो किसके बराबर होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। अब यहां पे अगर मैं देखूं दो लग रहे हैं, तो जो मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व किया है तो दो मेरे पास आए, दैट इज
आर साइन थीटा प्लस में एफ कोस थीटा, जो कि मेरे पास किस कहाँ हो रहे हैं, इनवर्ट डायरेक्शन की तरफ हो रहे हैं, तो फोर्स लगाया जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स एमवी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वैल्यू मैं रख सकता हूँ सिर्फ किसकी, दैट एफ की, जो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है, बिकॉज मैंने क्या पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, देन एफ इज इक्वल टू में म्यू आर, क्लियर है। अब ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देन आपके पास लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं, देन आर कोस थीटा इज इक्वल टू में एम जी प्लस में एफ की वैल्यू है आपके पास क्या, म्यू आर साइन थीटा। वैल्यू रखिए भाई, वैल्यू रखने के बाद अब आर और आर इनको एक तरफ लिया, तो एक तरफ लेके आया दैट इज आर कोस थीटा माइनस में म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू में एम जी। आर कॉमन आउट ले सकता हूँ, आर कॉमन आउट लिया, देन आपके पास बचा कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू में एम जी। आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ कि नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास फोर्स आएगा वो कितना होगा, देन आर इज इक्वल टू में एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर मान लेता हूं ए। तो आपके पास आर की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, दैट इज एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं चेकआउट करूं, इक्वेशन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड से, अब पहली बात तो मैं एफ की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो वैल्यू पुट करता हूं, देन आपके पास बनी आर साइन थीटा प्लस में एफ की वैल्यू पुट करी म्यू आर कोस थीटा इज इक्वल टू में एम वी स्क्वेयर बाई आर। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट इज द सेफ वेलोसिटी, क्या निकालना है, वो सेफ वेलोसिटी क्या होगी कि आपके पास बेंडिंग और फोर्स में जा रहे हैं तो वो आपके पास एक्सीडेंट टेक प्लेस ना करे, ठीक है। देन म्यू यहाँ क्या आपके पास, अब यहां से क्या कर सकता हूँ, आर कॉमन ले सकता हूँ, आर कॉमन लिया दैट इज आपके पास बचा साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू में एम वी स्क्वेयर बाई आर। अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, बट मैं क्या कर सकता हूं, अब आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो आर की वैल्यू को पुट कर सकता हूं, तो आर की वैल्यू को अगर पुट करता हूं, देन आपके पास बना एम जी अपॉन में कोस थीटा माइनस में म्यू साइन थीटा, ठीक है, इनटू में साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू में एम वी स्क्वेयर बाई आर, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो m से m कैंसिल आउट होगा कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मेरे पास था वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से कैंसिल आउट हो गया। निकालना है सेफ वेलोसिटी, दैट इज v का स्क्वायर, देन v स्क्वायर निकालना है, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू r, इधर आएगा तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, आ गया r z इनटू में sin थीटा प्लस में म्यू cos थीटा अपॉन में ये बचा आपके पास cos थीटा माइनस में म्यू sin थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया v स्क्वायर, मेरे को निकालना है सेफ वेलोसिटी या सेफ स्पीड। देन अब अगर एक तरीका और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तो मेरे को ये पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते वक्त जो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है वो टेंजेंट में इजी हो जाता है, किसमें हो जाता है, टेंजेंट में इजी हो जाता है। तो टेंजेंट बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहां से क्या कर लू भाई, मैं इस सारे को में से कोस को निकाल लू, ठीक है, सारे को क्या कर दू, कोस से डिवाइड कर दू, या फिर कोस को यहां से निकाल लेता हूँ, यहां से भी कोस को निकालता हूँ। तो निकालने के बाद देन v स्क्वायर इज इक्वल टू में r g cos थीटा कॉमन ले लिया यहां से, अब cos थीटा कॉमन लिया तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या बनेगा, दैट इज टेंजेंट थीटा प्लस में cos बाई cos बनेगा म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास जो बना दैट इज cos थीटा बाहर ले लिया, cos थीटा बाहर आ गया तो आपके पास क्या बना, वन माइनस में म्यू sin बाई cos 10 हो जाएगा, That is mu tangent theta, ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब यहां से अगर मैं चेक आउट करूं तो cos से cos कैंसिल आउट, cos theta से cos theta कैंसिल आउट हो गया, अब cos से cos कैंसिल आउट हो गया तो then v square आपके पास क्या बचा, then v square is equal to में r g into में tangent theta plus में mu tangent theta plus में mu divided by आपके पास जो बचा That is one minus में म्यू टेंजेंट थीटा
दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जो आपके पास सेफ वेलोसिटी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पे अगर बैंकिंग ऑफ रोड है तो उसको इजीली कवर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर केस बना सकते हैं भाई, कैसे केस बना सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि आपके पास एकदम स्मूथ सरफेस कर दिया जाए, कैसा सरफेस कर दिया जाए, स्मूथ सरफेस, देन आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, अगर स्मूथ सरफेस कर दिया तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस अगर मैं मान के चलो एक्स्ट्रा स्मूथ देन म्यू इज इक्वल टू में 0, यहां पे म्यू इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करूं, देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू में आर जी इनटू में टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा ठीक है, प्लस में म्यू तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय अगर करता हूं तो 1 माइनस में म्यू 0 किया, टेंजेंट थीटा भी 0 हो गया, 1 माइनस 0 बन रहेगा, दैट इज आपके पास बचा v स्क्वायर इज इक्वल टू में r g टेंजेंट थीटा, देन अगर सेफ स्पीड निकालनी है देन v इज इक्वल टू में r g टेंजेंट थीटा 1/2 ठीक है, अंडर रूट करो या फिर 1/2 लिखूं, दिस इज द सेफ स्पीड इफ द सरफेस इज एक्स्ट्रा स्मूथ, अगर एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अगर आपके पास सिर्फ सेफ स्पीड निकालनी है कि आपके पास जो गाड़ी है या फिर कुछ भी है ट्रक वगैरह कुछ भी है वो बैंकिंग ऑफ रोड पे मतलब परेशानी ना करे, सेफ ड्राइविंग हो, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू में r g टेंजेंट थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, अगर डिपेंडेंट की बात करूं देन इट डिपेंड ऑन द r जो आपके पास डिस्टेंस है, जो कितने डिस्टेंस आपके पास आ रही है, दैट इज r जो आपके पास ग्रेविटी होती है वो तो डिपेंड करेगा, तो ये आपके पास इस पे डिपेंड करता है ठीक है भाई। तो ये आपके पास था बैंकिंग ऑफ रोड, जो जहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन कमेंट सेक्शन।